टेक्सटाइल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हीना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। शशि थरूर को बड़ी राहत। सुरंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता बरी। दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला। सवालों में संस्था। पिंजरे में कैद सीबीआई को करे आजाद। आदेश के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। हैशटैग हिंदी है हम। ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा का हिंदी प्रेम युवाओं के लिए बनेगा नजीर। सुप्रीम कोर्ट। भारत को मिल सकती है पहली महिला सीजेआई। सरकार को भेजी गई 9 नामों की सिफारिश। अफगानिस्तान संकट। चाहे सीमा पर रहना पड़े यहां मत लौटना। घरवालों ने बेटी से फोन कर बताई आप ड्यूटी। अफगानिस्तान संकट। C-17 विमान के पहिए पर मिले मानव शरीर के टुकड़े। अमेरिकी वायु सेना कर रही जांच। महंगाई की मार। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम बढ़कर 859.50 रुपए पर पहुंचा। आखिरी उम्मीद भी खत्म। तालिबान को खुला चैलेंज देने वाली लेडी गवर्नर हुई कैद। बनाई थी खुद की फौज। राजस्थान में झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाना महिला को पड़ा भारी। घर पहुंचने के बाद उल्टे पांव भागी अस्पताल। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। आईफोन के लिए भी लॉन्च हुआ गेम। अब कर सकते हैं डाउनलोड। अफगानिस्तान क्राइसिस। 24 अगस्त को अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा करेगी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कर सकती है राज। नेक्सोन ईवी की सफलता के बाद 2 नई कारें लॉन्च को तैयार। गाजियाबाद में इंजेक्शन लगते ही युवक ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कोरोना देश में 35,197 नए केस मिले। इनमें एक ही दिन में 10,000 की बढ़ोतरी। फिर भी एक्टिव केस में लगातार चौथे दिन गिरावट। जजों की सुरक्षा पर नहीं दिया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार। केंद्र ने कहा जजों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की फोर्स व्यवहारिक नहीं। अफगानिस्तान से लौटे भारतीयों की आप बीती। मुश्किल हालत में वतन वापसी। 56 घंटे न सोए न खाया। तालिबान से सामना हुआ तो बंदूकें तन गई। अफगानिस्तान दुनिया को चिंता। जिस अलकायदा को खत्म करने 20 साल लड़े अब वो फिर सिर उठाए। आतंकी संगठनों को सुरक्षित पनाह मिलेगी। महामारी से निपटने के लिए सख्ती। 6 महीने बाद न्यूजीलैंड में कोरोना का एक पॉजिटिव केस मिला। पूरे देश में लॉकडाउन। शिवपुरी में ATM में ब्लास्ट। लूटने के लिए बदमाश ने लगाया विस्फोटक। धमाका होते ही डर कर भागे लुटेरे। ATM के मलबे में बिखरे मिले नोट। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में बारिश। 8 दिन धूप खिलने के बाद बरसा पानी। होशंगाबाद में सबसे ज्यादा 2.3 इंच पानी बरसा इस हफ्ते। राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान। तो आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।